और जुलाई इस प्लानेट का हॉटेस्ट मंथ रिकॉर्ड हुआ है जी हाँ जबकि ये हॉटेस्ट मंथ मंथ्स गए हैं इस साल रफली 120,000 एंड ईयर्स में और ये ऐसा पहली दफ़ा हुआ है और ये कहना है कि साइंटिस्ट का अपनी एक रिपोर्ट में जब record, आ, waves, आ, जो ब्रैकेट सेटिंग हीट वेव्स जो कि जबकि जब रैकड सेटिंग हीट वेव्स आ रही हैं ग्लोबली भी जैसा कि हमें पता है कि पूरी दुनिया में भी हीट वेव आई हुई है जब जुलाई 2023 को भी बना दिया गया है अब एज अ हॉटेस्ट मंथ एवर रिकॉर्डेड यूरोपियन क्लाइमेट चेंज सर्विस और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी यहाँ पर याद रहे कि ये फाइनल डेज जुलाई के बन गए हैं अब रैकर्ड स्मैशिंग डेज पूरी दुनिया में भी जबकि दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जो, जो बाइडेन का कहना है कि उन्होंने एक्टिंग लेबर सेक्रेटरी जूली सू को इशू कर दिए हैं हीट हैजर्ड अलर्ट और उनको ऑर्डर्स दे दिए गए हैं ये क्लारीफाई करते हुए कि वर्कर्स को दे दिए जाएं हीट रिलेटेड प्रोटेक्शंस जब टेम्परेचर्स बहुत सोर कर रहे हैं यानी कि बढ़ रहे हैं पूरी नेशन वाइड प्रेसिडेंट बाइडेन ने बात की है व्हाइट हाउस में कुछ देर पहले जिसमें यह भी कहा गया है कि यूएस फॉरेस्ट सर्विसेज को भी अवार्ड किए गए हैं एक बिलियन डॉलर के ग्रांट्स ताकि हेल्प किया जा सके टाउन्स और सिटीज़ को प्लांट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रीज ताकि रोका जा सके हीट को यहाँ पर यह भी याद रहे कि इंटेंसिफाइंग हीट वेव डिसेंड हुई हुई है अब ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स पर भी पहले ये मिड वेस्ट में और साउथ वेस्ट में भी थी जिसने प्रॉम कर दिए हैं वार्निंग्स आम जनता के लिए स्वेल्टरिंग हीट और ह्यूमिडिटी That in the long term will help repel the heat and expand access to green spaces so families have a place to go to cool off and to bring down the temperature in cities. The Department of Housing and Urban Development is providing billions to communities to make buildings more efficient and to make more heat, make them more heat resistant, opening cooling centers in, for residential areas and in the cities that the communities can go to to be safe. The Department of Interior. Is using infrastructure funding to expand water storage capacity in the Western states to deal with the impacts of future droughts.